दोस्तों ये देख सकते हो क्योंकि इधर से जो वाहन आएंगे सरायकाले की साइड से, तो यहीं से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा। दोस्तों दो पिलर ये यहाँ पर बना लिए जा चुके हैं, देख सकते हो, इसमें बस कंक्रीट भरना बाकी रह गया है। ये देख सकते हो तस्वीर है कि यहाँ पर, और एक पिलर ये बना दिया गया है ये आश्रम फ्लाईओवर के बीच में। दोस्तों तो इधर से ये DND से ये वाहन आएंगे, ये वाहन आ जाएंगे और इस पर चढ़ जाएंगे, इस पर ये आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन पर। दोस्तों ये देख सकते हो ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और ये सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं इधर के, देख सकते हो। बस ये पिलर बचा हुआ है कंक्रीट भरने के लिए। इधर भी इन्होंने सेटरिंग लगा दी और सेटरिंग लगा के अब इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, देख सकते हो। ये सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चला जाएगा आगे के लिए। ये यहाँ से कालिंद्री कुंज होते हुए फरीदाबाद ये निकल जाएगा और ये बल्लभगढ़ जाके KMP से मिल जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीर है, ये यहाँ से निकलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे वो रैंप आ जाता है आश्रम एक्सटेंशन फ्लाईओवर का। दोस्तों देखो वो रैंप चमक रहा है ना, तो वो बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों को दिखाएंगे आगे। तो इस तरीके से ये ऐसे घूम जाएगा, ये पीछे की साइड में जाएगा दोस्तों। तो इन पर अभी पियर कैप का काम किया जाना है, तो बाकी तो सारा काम हो चुका है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से ये आश्रम चौक है दोस्तों, और आश्रम चौक से ही ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है और चलते हैं। अभी मैंने आप सभी को उधर से दिखाया था, अब आप सभी इधर से देखो दोस्तों और चलते हैं हम ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कि कितना कुछ बायोडक्ट। अब यहाँ से आप सभी समझ लो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर हम लेफ्ट में यहाँ से देखो, एक लेफ्ट में ये रैंप दिख रहा है ना, ये चला जाएगा आश्रम यानी कि दिल्ली की साइड में, और जो ये सामने पिलर चमक रहा है ये दोस्तों आएगा सरायकाले खान से यानी कि NH24 राजघाट की तरफ से, इस पर ट्रैफिक आएगा। और जो राइट वाला आपको बता दूं रैंप बनाया जाएगा वो आएगा DND के साइड से और इसको चढ़ जाएगा ऊपर। तो आपको बता दूं यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है क्योंकि उधर पानी भरा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी डाल दी जा चुकी है, यहाँ पर ये रैंप बनाया जा रहा है। तो इसमें दोनों साइड में लेफ्ट में और राइट में रैंप बनाए जाएंगे और जो बीच वाला पार्ट है उसको पिलर पे स्टैंड किया जाएगा दोस्तों। तो वहीं पर इसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का। गाइस आप लोग तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों देख सकते हो ये है DND फ्लाईवे। अब DND से देखो वो उधर जो गाड़ियां खड़ी है राइट हैंड में, वो लास्ट में पानी भरा हुआ है, वहां से ये ऊपर रैंप पे चढ़ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए दोस्तों। और इस साइड में देखो जो मेरी उंगली चमक रही है उस साइड का उधर रैंप बनाया जाएगा और ये सामने चमक रहा है आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन दोस्तों। और आपको बता दूं जो ये ट्रक जा रहा है ये आ रहा है सरायकाले खां की साइड से, यहाँ पर ये फ्लाईओवर बना हुआ है। तो हम चलेंगे अब आगे यानी कि मुंबई एक्सप्रेस वे को दिखाते हैं चल के, जो कि यमुना रिवर के बिल्कुल बगल से ही निकलता हुआ जा रहा है दोस्तों, मीठापुर होते हुए, और ये आपका कालिंद्री कुंज होता हुआ फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए ये सीधा निकलेगा जाकर आगे KMP से जुड़ जाएगा, वहां पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोस्तों। और कुछ ही टाइम के बीच में मैं आप लोगों को वहां की भी अपडेट देने वाला हूं, बहुत एक नई क्वालिटी के साथ में आप सभी को दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन्जॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो KP संत को। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो हम यहाँ इस नीचे उतर चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए, और पिलर देखो ये जो बना दिए गए हैं, देखो ये सारे पिलर कंप्लीट हो गए हैं बन के, बस इन पर पियर कैप अब ऊपर का लगाया जाना है, और पियर कैप लगा देने के बाद में इस पर गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा और ये आगे रैंप से जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। आप बने रहिए KP संत के साथ में और दिखाते हैं आपको पूरा वीडियो कि कहाँ तक इसका बायोडक्ट जोड़ दिया जा चुका है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पर ये आश्रम चौक बनाया गया है और ये सारे वाहन आ रहे हैं। तो इसमें दो साइड में रैंप जोड़ा जाएगा, एक तो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा आश्रम की साइड में, और राइट में चला जाएगा ये DND की साइड में, और बीच का आएगा सरायकाले खां की तरफ से ट्रैफिक, यानी कि यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, तो मतलब दिक्कत नहीं रहेगी दोस्त। तो देख सकते हो यहाँ पर ये रैंप बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे तेजी के साथ में। तो एक पिलर ये है और यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है जैसा कि आप लोगों ने अभी आगे देखा था। तो आप लोगों को दिखाते हैं, देख लो ये मिट्टी डाली जा रही है और ये व्हीकल अंडरपास बनाया गया है ताकि
आप लेफ्ट राइट हो सकते हो दोस्तों, अगर भटक जाते हो तो आप लोग देख लो मीठापुर, ये जगह है मीठापुर और ये व्हीकल अंडर पास बनाएगा और यहाँ पर ये रैंप बनाने का काम चल रहा है। तो आप लोग बताना आप सभी कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। देख सकते हो अभी बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और ये 2024 के लास्ट में ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और आपको बता दो हमारे भारत देश में पहली बार इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेस वे बनाया गया है दोस्तों, और इसकी जो कॉस्ट है वो 1,00,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये हमारे DND के दिल्ली से स्टार्ट होता है और ये जाएगा दोस्तों नवी मुंबई तक। तो बहुत लंबा है ये, 14.5 किलोमीटर का ये एलिवेटेड पार्ट है दोस्तों। और आपको बता दो एक्सप्रेस वे ये बहुत तेज़ी के साथ में जाए, 60 किलोमीटर का ये पार्ट है दोस्तों, DND टू KMP तक ये 60 किलोमीटर का। देख सकते हो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो वहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो वो लॉन्चर। तो 54 पिलर तक के इन्होंने जोड़ दिया है दोस्तों, और इधर भी शायद बेल फाउंडेशन बनाया जा रहा है, काम चल रहा है इस पर तेज़ी के साथ में। तो देख सकते हो कुछ ये ऐसा बनाया जा रहा है बेल फाउंडेशन। तो आप लोगों को इधर से दिखाते हैं घूम के कि ये क्या बनाया जा रहा है इस पर। देखो ये है बेल फाउंडेशन, तो इसको ये अभी बनाएगी वर्कर तो बनाएंगे इधर। ये देख सकते हो तस्वीरें, ये बेल फाउंडेशन है। तो ये देख सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पिलर दोस्तों, जो कि ये लास्ट पिलर है वहाँ का 71, ये भी बन के कम्प्लीट हो गया। 72 वो उधर से अब कालिंद्री कुंज से देखने के लिए मिलेगा। तो उधर से ये रास्ता नहीं है दोस्तों उधर जाने का, रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर ये आप बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी तंत्र को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी तंत्र के चैनल पर दोस्तों। देखो लॉन्चर वो लगा हुआ है जो कि 54 पिलर को जोड़ चुका है, अब बस ये वाले पिलर बचे हुए हैं जो भी बचे हुए हैं यहाँ तक। और इससे आगे अब आपका आ जाएगा दोस्तों कालिंद्री कुंज, वो आगे दिखाएंगे, वो फरीदाबाद में लग जाएगा। तो उसकी अपडेट आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक केपी संत के चैनल पर आने के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत का।